115 रुपीज़ का स्टॉक 3 रुपीज़ में मिल रहा है दोस्तों, वो भी 5% की तेज़ी के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक दिखाने वाला हूँ। दो ऐसे स्टॉक है जिनको आपको यहाँ पर नज़र में रखना चाहिए। यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों, ये पहला स्टॉक है 115 रुपये के भाव से जब ये गिरावट आया तो दोस्तों 2-2.5 रुपये हो चुका था, लेकिन आज देखिए 5% की तेज़ी के साथ मजबूती दिखा रहा। उसके बाद स्टारलाइट भी, दो स्टॉक। तो आपको क्या खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज ये दोस्तों मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने बोला आप लोगों को कि हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने आप लोगों को कितना प्रॉफिट निकाल के दिया है, और क्या उसके सामने ये दोनों स्टॉक को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये भी आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, आज थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छा रिटर्न निकालने का तरीका भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, कब अपलोड किया था वो भी दिखा देता हूँ। देखिए 26 अगस्त को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और बताया था दोस्तों कि एक से दो तीन साल के लिए अगर आप सोचते हैं तो कौन से स्टॉक में आपको निवेश करना है, ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, सीजनल प्रॉब्लम रहता है, कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम रहता है तो आते ही रहता है। और दूसरा दोस्तों रिलायंस, दोस्तों अगर हमारे इंडिया का नाम रखना चाहिए तो हमारे अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों रिलायंस इंडिया ही मैं नाम रख दूंगा, क्योंकि दोस्तों रिलायंस कंपनी से ही हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, यहाँ तक कि हर एक चीज़ दोस्तों अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तो रिलायंस कंपनी से। देखिए दोस्तों, 1 ईयर में देखिए 0.50% रिटर्न दिया है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा दोस्तों DHFL, येस बैंक, PC ज्वेली की तरह यहाँ पर आपका 80% पैसा डुबाया, नहीं दोस्तों, इतना बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो स्टॉक है दोस्तों आपका पोर्टफोलियो के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपको लॉस होने का बहुत कम चांसेस है। अगर इस यहाँ पर देख लीजिए, अभी नेक्स्ट मंथ में दोस्तों, नेक्स्ट मंथ में 5 डेट को यहाँ पर देखिए इसका जो प्राइस है, बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिखाएगा, क्योंकि दोस्तों जियो इगा फाइबर बॉक्स जो ये लॉन्च करने वाला है, इससे भी दोस्तों यहाँ पर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है। तो दोस्तों दूसरा जो कंपनी है दोस्तों, मैंने इसका नाम लिखा था आइडिया और रिलायंस। आइडिया क्यों लिखा था दोस्तों, आइडिया रिलायंस से मेरा रिलेटेड ये था कि अपना पैसा आइडिया से निकाल के रिलायंस में डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों आइडिया आप ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला रिलायंस के आगे। इतना याद रखिएगा, रिलायंस कोई भी अगर काम करता है, कोई भी अगर बिजनेस आइडिया लाता है तो वो दोस्तों गेम चेंजर रहता है, इतना याद रखिएगा। अगर आइडिया एयरटेल ये सब कोई भी अगर आइडिया लाता है, अगर कोई ऐसा प्लान लाता है दोस्तों कि हाँ फ्यूचर में कुछ करना है, तो दोस्तों लोग सर्वाइव करने वाला प्लान लाते हैं कि हाँ खा रहे बस खा रहे, लेकिन दोस्तों रिलायंस एक ऐसा है जो 1 GB इंटरनेट का 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ प्राइस रहता था, आज उसको दोस्तों 2 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, 2 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है दोस्तों। इसका जो 1900 to 2000 का जो है मेरा टारगेट है दोस्तों, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना है, याद रखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया रिलायंस के बारे में बहुत कुछ बताया और बोला कि दोस्तों अभी जो इसका 1200 के आसपास जो प्राइस चल रहा है, मैंने बोला कि दोस्तों 1900 to 2000 के आसपास ये जो है स्टॉक जा सकता है। और देखिए रिलायंस का चार्ट आपके सामने आज मैं लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए 26 अगस्त पे मैंने जो है चार्ट को सेट किया है। यहाँ देखिए 26 अगस्त को दोस्तों इसका जो प्राइस चल रहा है 1200 के आसपास चला था, 1200 के आसपास, लेकिन आज के डेट में इसने देखिए दोस्तों 1500 के आसपास चल रहा है। और ये जो हाइएस्ट बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो अराउंड हाइएस्ट मारा था 1600 को ये जो है टच करने वाला था। देखिए यहाँ पर देखिए 1573 अराउंड जो है 1600 को, मेरा टारगेट कितना था दोस्तों 1900 to 2000 के आसपास ये जाएगा। तो देखिए जो आधा मेरा जो हाफ 50% जो टारगेट है दोस्तों वो अचीव कर चुका है, और जो 50% टारगेट है दोस्तों टाइम लगेगा लेकिन अचीव करेगा। यहाँ देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा। और फिर देखिए इसके बाद जो है मैंने दूसरा स्टॉक का भी प्राइस बताया, ICICI बैंक भी दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है देखिए सीधा डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, हाँ दोस्तों थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो जाती है, लेकिन ये इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों, इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बोलूँगा 1 ईयर में देखिए 70% का रिटर्न है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के देखते हैं तो दोस्तों इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। पहला जो मेरा टारगेट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अभी जो इसका प्राइस है 411 है, और यहाँ पर आज जो है मार्केट कितने में ओपन हुआ था 407 में, मतलब कि। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको समझ में आ रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 400 के इसका जो ICICI बैंक का प्राइस चल रहा है, करेंट प्राइस 411 रुपीज़ दोस्तों। लास्ट वर्किंग डे में जो था ये विद इन 400 था, अराउंड 380-390 के आसपास था। तो दोस्तों अगर ये 400 को क्रॉस करता है, मतलब ये 400 को ये ब्रेक करता है, चार्ट में आपको दिखाता हूँ, अगर दोस्तों इसका प्राइस 400 से नीचे चला जाता है तो आपको मैं जंप करना सिखाऊंगा। आपने बचपन में बहुत जंप किए हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जंप करना सिखाऊंगा। जैसे ही दोस्तों बिलो 400 या तो आपको इसको खरीद लेना है, वेट नहीं करना है और कुछ सोचना भी नहीं है। तो देखिए अभी जो इसका प्राइस है 413 के आसपास चल रहा है, तो जैसे ही दोस्तों ये जो है अराउंड देखिए 400 के पास यहाँ पर
बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 400, तो जैसे दोस्तों यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जैसे थोड़ा सा अप हो जा रहा है, तो जैसे दोस्तों 400 के आसपास ही आएगा तो आपको रुकना नहीं है, खरीद के चलना है दोस्तों, मतलब खरीदारी करके चलना है और रुकना भी नहीं है, ना ही सोचना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इस बैंक का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है दोस्तों, रिलेटेड टू यस बैंक। यस बैंक में तो आपको दिख रहा है कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, तो दोस्तों अभी यस बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग चलेगा, लेकिन आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसमें आप जाके खरीदारी कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से खरीदना है तो दोस्तों आप आईसीआईसी बैंक को खरीद सकते हैं, यहाँ देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को खरीद सकते हैं, तीसरा, और जो एक दो तीन मैंने आपको बता दिया, चौथा मैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये भी स्टॉक के बारे में बताया, और यहाँ पर देखिए आईसीआईसी बैंक का जो मैंने चार्ट सेट किया है, 26 अगस्त को मैंने ये जो चार्ट सेट किया, इसका जो करेंट प्राइस चल रहा था दोस्तों 400 के आसपास, लेकिन मैंने क्या बोला था दोस्तों, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज के डेट में यहाँ देखिए दोस्तों 400 से स्टॉक जो है ये 500 को भी क्रॉस कर चुका है, ये जो हाईएस्ट बनाया दोस्तों 500, 3 रुपीज़ को हाईएस्ट बनाया। अगर आज भी आपके पास ये स्टॉक है तो सेल मत कीजिएगा दोस्तों, अभी भी टाइम है, होल्ड कीजिए, और अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। और मेरे इस वीडियो के बारे में तो सब लोगों को पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ये देखिए दोस्तों ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट दिखा देता हूँ, ये देखिए 24 सितंबर को यहाँ मैंने ये वीडियो अपलोड किया था और बताया था दोस्तों ये 3 स्टॉक खरीदने के लिए, जिसमें इसने जो है दोस्तों एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ने पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 24 सितंबर से आज का डेट भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, 2-3 महीने का फर्क है बस। और उसके बाद देखिए डालमिया यहाँ देखिए डालमिया भारत में भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिला है दोस्तों। हाँ, लेकिन इस स्टॉक में जो है ऊपर वाले में थोड़ा लॉस हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कितना था। ये स्टॉक SCI, ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक 35 के आसपास में मिलता है, तो दोस्तों आपको छोड़ना ही नहीं है। वन मोर टाइम, अगर ये स्टॉक आपको 35 के आसपास मिलता है तो छोड़ना ही नहीं है। देखिए जैसे ही स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट होती है, थोड़ी बहुत चाहे जो भी आपको खरीदना है, ठीक है, एक बार और चाहे जो भी हो, समझ में आ रहा है ना, 35 में अगर मिल गया ना तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, चाहे जो भी हो आपको खरीदना ही खरीदना है दोस्तों। ये स्टॉक के बारे में और एक यहाँ पर बताया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, डालमिया भारत था। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक है, देखिए आज मैं दोस्तों ऐसे ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जो छोटे निवेशक है वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो बड़े निवेशक है वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सब लोगों को यहाँ लेकर चलता हूँ। मान लीजिए अगर आप छोटे निवेशक सर्विस लेते हैं तो उनको भी सेटिस्फाई और अच्छे प्रॉफिट देना, उनको भी अच्छे प्रॉफिट देना है, और जो बड़े निवेशक है उनको भी अच्छा प्रॉफिट देना। तो देखिए दूसरा स्टॉक यह है DAL भारत, देखिए ये स्टॉक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है यहाँ पर देखिए। हालांकि एक चीज़ मैं स्टॉक के बारे में आपको बताता हूँ, आज जब ये स्टॉक ओपन हुआ था तो 800 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों मैंने बोला डालमिया भारत, इसके बारे में भी मैंने बोला था खरीदारी करने के लिए, इसका जो करेंट प्राइस चला यहाँ देख लीजिए 837, अराउंड 840 के आसपास। देखिए दोस्तों यही वो स्टॉक है एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन, जिसमें मैंने आपको बोला था 38 के प्राइस पर खरीदारी करने के लिए दोस्तों, 38 के प्राइस से ये स्टॉक जो है देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, 30 इधर था दोस्तों, इधर था 38 के आसपास। इसके बाद दोस्तों स्टॉक कितना हो चुका है, मैंने बोला था यहां देखिए दोस्तों 70 रुपीज का ये देखिए प्राइस हो गया, मतलब दोस्तों पैसा दुगना से भी ज्यादा के आसपास। उसके बाद मैंने दोस्तों दूसरा बोला था दोस्तों डालमिया भारत, इसको कितना पर बोला था दोस्तों 800 के आसपास, यहाँ पर मैंने बोला था 840 के आसपास बोला था दोस्तों, 840 के मतलब इधर के साइड में बोला था दोस्तों, 40 के आसपास, इससे भी कम था। और मैंने बोला था दोस्तों, और इसके बाद देखिए इसका जो हाईएस्ट प्राइस है दोस्तों 890, यहाँ देखिए 800 के ऊपर भी चला गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 880 के आसपास। तो देखिए इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो ये है दोस्तों परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहां पर आपको एक बहुत ही और बेहतरीन अच्छा रिटर्न निकल के आपको दिया जाता है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये दोनों स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा, देखिए दोस्तों ये दोनों स्टॉक के बारे में आप बताता हूँ। देखिए ये स्टॉक जो है बहुत हाई प्राइस से जो है गिरते हुए आ रहे हैं, और बिजनेस जो है आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। ये दोनों जो स्टॉक है अपना मतलब कोई भी डाटा बताना नहीं चाहते हैं। देखिए आपके सामने जो है कुछ भी होता है दोस्तों, तो ये जल्दी जो है अपना डाटा बताना नहीं चाहते हैं। ये देखिए 5 साल का अगर मैं इसका हाइएस्ट चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों, तो कितने प्राइस से गिरा है, तो दोस्तों ये 24 रुपये से 24 रुपीज़ से जो है नीचे आया है। लेकिन इस कंपनी के बारे में कुछ मैं आपको डिफरेंट बताना चाहता हूँ। देखिए ये कंपनी का जितना वैल्यूएशन नहीं है उतना दोस्तों ये कंपनी जो है कर्ज लेके बैठी है, और कर्ज के बाद जो है उसको ब्याज देना पड़ता है, जो दोस्तों इंटरेस्ट होता है जितना भी इसने लाइबिलिटी लिया उसका इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, और कंपनी दोस्तों ग्रो नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा दोस्तों। सेम स्टारलाइट का भी जो दोस्तों कंपनी है, इसका कॉम्पिटिटर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिट कर दिया इस कंपनी को, उसके वजह से भी नहीं चल पा रहा। तो इस दोनों कंपनी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ज्यादातर अगर ये देखिए ये जो है कंपनी अपना डेटा भी नहीं लीक कर रही है, कुछ फंडामेंटली या टेक्निकली भी ये नहीं बताना चाहती है दोनों कंपनी दोस्तों सेम। तो मैं नहीं चाहता कि ये स्टॉक जो है बहुत ऊपर से गिर के आया है, और आप मेरे सब्सक्राइबर है तो आप ऐसे कंपनी के पीछे जाइए जो पूरा गिर चुका है और 4-5% की तेजी देख के आप जो है उत्तेजित होकर खरीद लीजिए। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ये दोनों कंपनी में मैं आपको सावधान करता हूं।
और अगर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अगर सर्विस लेना चाहते हैं हमारा सर्विस, तो ऊपर वाला देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला नंबर दिख रहा है ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, नीचे वाला नंबर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर है। हालांकि आप दोनों नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हमारी जो भी सर्विस रहती है दोस्तों पेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पूरी वीडियो के साथ। आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। आज ही मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए अशोक लेवलैंड में 25% से भी ज़्यादा मैंने रिटर्न निकाल के दिया है दो स्टॉक को। इस वीडियो में मैंने दो स्टॉक में जो 25% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया दोस्तों, लेकिन हाँ ये स्टॉक जो था बहुत पहले से, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो चलिए आगे आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है।